नमांसमयी साराय श्वानिभूता चिकांसते चिशिभावाय भावाय श्रीभावंतरिच्छते अनंतर्मणस्तत्त्वं पश्यति पृथग् आत्मना अनेकांतिमयी मूर्तिं नित्यमेव प्रकाशता ऋणमूर्यन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो जायाडं नमो लोय सुविसावुडं पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य योगेंद्र सुंदर सागर जी मुनि महाराज की अहिंसा मय विश्व धर्म की। हेलो, नमोस्तु शासन। भैया माइक की आवाज बढ़ाइए, बेस कम कर दीजिए, आवाज बढ़ा दीजिए। दो देखो बंधु बेस बिल्कुल कम कर दो। आचार्य परिवार भगवत अमृत स्वामी अध्यात्म अमृत कलश में नौमी श्लोक में नौमी कलश में बहुत गंभीर व्याख्या की। उपासना साधना आराधना ये द्वैतता द्वैत है। उपासना साधना आराधना तीन शब्द हैं, सामान्यतः लोग एक रूप देखते हैं पर तीनों एक रूप नहीं है। उपासना विधि साधना विधि आराधना विधि और प्रमाण नहीं निश्चित। प्रमाण नहीं अधिगम करा रहा, प्रमाण न उपासना न साधना न आराधना। उपासना साधना आराधना का अधिगम कराने वाला ज्ञान कराने वाला प्रमाण है और वही प्रमाण का अंश न है। जब प्रमाता प्रमिति और प्रमाण को एकत्व देखते हैं तो वही प्रमाण साधना आराधना उपासना एकत्व होता है। थोड़ा कठिन है, समझ में आएगा थोड़ी देर से। जो कुछ आप कर रहे हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे मुरझाज हो, संपूर्ण क्रिया तुम्हारी प्रमाण निर्दिमा से प्रारंभ होती है। निक्षेप जो है उपचार भूत है, अनुपचार भूत है। निक्षेप जो है उपचार भूत है, अनुपचार भूत है। अनुपचार भूत निक्षेप नहीं मानोगे तो भाव निक्षेप का विषय क्या बनेंगे। निक्षेप जो है उपचार भूत है, अनुपचार भूत है। नाम स्थापना द्रव्य उपचार भूत है, भाव निक्षेप अनुपचार भूत है। स्यात् भाव निक्षेप भी उपचार भूत है।
अब जो भी बोला तुम आराधना कर रहे हो, इतनी इंद्राणी बैठी हुई है, इनके साथ छल्ली होना चाहिए, किसी भी श्रावक के साथ छल्ली होना चाहिए, इनको इस बात का ज्ञान करा देना चाहिए, आपने पूर्व में सुकृत किया था, इसमें कोई शंका नहीं, दुष्कृत किया था इसमें कोई शंका नहीं, पंचम काल का मनुष्य बनना पड़ा, अशुभ का कारण है, पंचम काल में आना पड़ा, अच्छी बात नहीं है, लेकिन पंचम काल में आने पर भी त्रागदीन शासन निर्गंत अरिहंत देव निर्गंत गुरु बागेश्वरी माँ जिनवाणी की उपलब्धि होना, उनके प्रति भक्ति के परिणाम होना, ये तीव्र पुण्य का उदय है। इसलिए आप जितने बैठे हो ऐसा चिंतन करो, मैं इंद्र हूं, मैं इंद्र हूं, पुजारी हूं, पूजा कर रहा हूं, एवं भूतने की ओर जाइए, एवं भूतने से देखिए इस समय क्या प्रतिष्ठाचार्य जी आपको ऐसे क्यों बुलाते हैं, अमुक चंद जी आइए, कहीं कुबेर बुलाते हैं, कहीं सोद्रमंद्र बोलते हैं, ईशान सनत कुमार महेंद्र बोलते हैं, ऐसे बोलते ना, निक्षेप के माध्यम से संज्ञा बदल गई, निक्षेप के माध्यम से संज्ञा बदली हुई है, उस संज्ञा ही नहीं बदली है, परिणाम बदले हुए हैं, परिणाम ही नहीं बदले, पर्याय बदली है, और पर्याय ही नहीं बदली, पुण्य भी बदला है, एवं भूतने से देखी, एवं भूतने से देखिए, निक्षेपों को अमृत स्वामी सर्वता ही नहीं बोल रहे, पहले उपादेय समझिए, फिर थोड़ी देर बाद ही बोलेंगे, उपादेय समझिए, पंडित जी मांगीलाल जी का है, उपादेय समझिए पहले, यदि इनको हे बोल दिया सर्वथा संपूर्ण सिद्धांत असत्य हो जाएगा, और सिद्धांत असत्य नहीं होगा, सिद्धांत ही असत्य हो जाएगा, मतलब जैन सिद्धांतों में लिखा है वो सत्य हो जाएगा, ऐसा जगते का जो भी व्यवस्था है वो सब असत्य हो जाएगी, जिन्हें भगवान को आप पूज रहे हो वो निक्षेप से, जिन्हें भगवान को आप पूज रहे हो वो निक्षेप से है, भाव निक्षेप वाले हो चाहे नाम निक्षेप वाले हो, ध्रुव निक्षेप वाले हो, स्थापना निक्षेप वाले हो, महात्मा सरस्वत जी बालक नाम निक्षेप से भी कर्म की निर्जा होती है, स्थापना निक्षेप से भी कर्म की निर्जा होती है, द्रव निक्षेप से भी कर्म की निर्जा होती है, और भाव निक्षेप से भी कर्म की निर्जा होती है। पंडित जी साहब थोड़ा विचार नहीं, नाम निक्षेप भी निर्जा का कारण है, स्थापना निक्षेप भी निर्जा का कारण है, द्रव निक्षेप भी निर्जा का कारण है।
भाव नीचे भी निर्जल का कारण। ओ निक्षेप जो है, जब तुम साधना आराधना उपासना में जाओगे तो आप व्यवहार से जाओगे, उस समय आपके सामने परगत तत्व होंगे, परगत तत्व होंगे। पंचकण की प्रतिष्ठा किन भगवान की है? पंचगण प्रतिष्ठा किन भगवान की है, समझना। प्रतिष्ठा शब्द कह रहा है, पंचगण नहीं है, पंचगण प्रतिष्ठा है। जब अयोध्या में पंचगण चल रहे थे, ओ भाग्यशाली आप लोग, महाभाग्यशाली, एक एक कल्याण के बीच में लाखों लाखों वर्ष का अंतराल आए हैं। 84 लाख वर्ष पूर्व में 83 लाख वर्ष के बाद भगवान आदिनाथ स्वामी का दीक्षा कल्याण आया था, मालूम पंडित जी? इतना समय बीता कि नहीं? ये तो पुण्य आप लोगों का है। कल्याणक होने में देर लगती है, पंचगण प्रतिष्ठा 5 दिन में हो जाती है। तब तक जो एक जीव जिसने प्रभु का गर्व कल्याणक मनाया, मनुष्य ने, जरूरी नहीं है उसको जन्म कल्याण मनाने को मिल जाए। वो जिसने जन्म कल्याण मना लिया उसको भी आवश्यकता नहीं है कि दीक्षा कल्याण मनाने को मिल जाए। वो दीक्षा कल्याण जिसने मनाया है उसके लिए भी आवश्यकता नहीं है केवल ज्ञान कल्याण मनाने को मिल जाए। और जिसने केवल कल्याण मना लिया है उसको आवश्यकता नहीं कि वो निर्वाण कल्याण मना पाए। पर तुम कितने पुण्य आत्मा हो, 5 कल्याणक मनाओ। ये पंचगण प्रतिष्ठा है, और प्रतिष्ठा का मतलब निक्षेप। इसलिए पंडित जी कुछ विषय बोलते बोलते, सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, समझते समझते फिर भी समझना चाहिए। समझते समझते व्यक्ति समझ नहीं पाता, निक्षेप शब्द सुनते ही आपने उपचार में डाल दिया। ठीक, उपचार में डालने दो, उपचार तो है लेकिन उपचार को अनास्था से देखना, उपचार को अनास्था से देखना अज्ञानी की पहली पहचान। पंडित मांगीलाल जी साहब, हे मित्र, इस जीव का मांगीलाल नाम ही सत्य है। ज्ञानी जब जन्म हुआ था तब भी तू मांगीलाल नहीं था। इसी पर्याय में पंडित जी आप मांगीलाल नहीं थे। ओहो, अच्छा सुंदर सागर जी, ज्ञानी विशुद्ध सागर जी, इतना अंदर ले गए, घुस गए, इतने अंदर घुस गए कि मालूम है अतद्गुणी वस्तुनी महात्मा, अतद्गुणी वस्तुनी अतद्गुणी वस्तुनी पुरुषा का नियुज्यमान संज्ञा कर्म नाम निक्षेपा।
पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वासिद्धि गुण ग्रंथ में लिख रहे हैं, अतत गुणी वस्तुनि, वस्तु में जो गुण नहीं है उन गुणों का आरोपण कर देना संज्ञा कर्म है, उसका नाम नाम निक्षेप है। निक्षेप नाम निक्षेप, जब जन्मा था तब नाम था नहीं, इस भव में नाम नहीं था। अहो आश्चर्य, जैसे पिता ने नाम रख दिया है कितना दुखदाई रख दिया, समझ में आ रहा है? पिता ने नाम रख दिया कितना दुखदाई रख दिया, नहीं मानोगे अभी मन माता न मानो, चुनौती है तुमको। महात्मा बोले, गहरी नींद में थे, पंडित मांगलिया नाम से कोई किसी को पुकार रहा है, तुम उठ के जाओगे? ठीक, ये सिद्धांत को समझते, इनसे पूछना। निद्रा का आना साता का उदय एक नहीं, क्या बोले? निद्रा का आना साता का उदय एक नहीं, असाता की तीव्रता में नींद नहीं आती, साता की तीव्रता में ही निद्रा आती है। जिनके घर में कुंवारी कन्या बैठी हो और सिर पर ऋण रखा हो और अपयश फैल चुका हो, उनसे कहना नींद कितनी मीठी आती है और रसगुल्ले कितने बढ़िया थे। बारदाना कुंवारी कन्या ब्याह के योग और सिर पर ऋण है, अपयश फैल चुका है, उस आदमी से पूछना निद्रा कितनी अच्छी लगती है आपको और भोजन कितना मीठा लगता है। पंडित जी, कुछ ऐसे कर्म हैं जो विचित्र नवक्रम के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। ऐसे कर्म हैं नौ कर्मों के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। ओ, इसी के बल पर हम मोक्ष जाएंगे, इसी के बल पर हम मोच जाएंगे, और जितने मोच गए हैं इसी के बल पर गए हैं, आगे जाएंगे इसी के बल पर जाएंगे, और विधियों में जा रहे हैं इसी के बल पर जा रहे हैं। समझिए राकेश पंडित जी, एक व्यक्ति को नींद आ रही थी, उसके सामने ऐसा शब्द बोल दिया गया, उसकी नींद उड़ गई। पुण्य शब्द क्या था? नौक्रम। उसकी नींद भग गई। अरे मित्र, चिंता से नींद भर सकती है, चिंता से नींद भग सकती है, तो चिंतन से नींद भगाओ तो भगवान बन जाओगे। चिंता से नींद भगेगी तो पागल हो जाएगा राकेश पंडित, चिंता से नींद भगाओगे तो पागल हो जाओगे, और चिंतन से नींद भग जाएगी तो परमात्मा बनेगा। नुक्रम। अब महात्मा तुम्हारे भोले भैया सो रहे थे, वो कहा पीयूष ज्ञानी, अब सोते सोते पीयूष ने बोल दिया, बोला बोला कौन जगेगा? भोले जगेंगे? तेरे पिता ने कितना गलत किया, तेरे पिता ने कितना गलत किया,
कि आज ये भोला नाम रखा न गया होता तो कोई भोला चिल्लाता रहता, तू जगते ही नहीं। तेरी साता को भंग कर दिया। अब बोल भाई, बोल बोल। सही है, जब आपको इतना गहरा नाम अंदर ले गए हो, जितना गहरा अपना नाम सुन के तुम जगते हो, इतना गहना गहरा भगवान महावीर के नाम से जगो, तुम भक्त बन जाओ। महावीर का नाम से जगोगे तो भक्त बन जाओगे, और निज आत्मा के नाम से जगोगे तो भगवान बन जाओगे। नाम निच्छे देखा, भले आवाज नहीं आ रही हो तब भी सब मुस्कुरा रहे। ये तत्व है। अब जो नाम है वो वस्तु है कि अवस्तु? जो नाम है वो वस्तु है कि अवस्तु? इसलिए राकेश पंडित तुम्हें पागल बोलती थी। क्यों बोलता हूं? वो पागल है नहीं, है दूसरा नहीं बोलना कोई। मतलब पागल क्यों बोला पंडित जी? मांगलाल जी साहब, इस जीव ने पंचाध्याय का स्वाध्याय कर लिया। वो पंचाध्याय का स्वाध्याय मैंने भी किया है, अब आपको मालूम होना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाश के दूसरे ने पढ़ा तो मैंने भी पढ़ा, कोई ग्रंथ नहीं छोड़ा मैंने। लेकिन मेरे पंचाध्यायी मोक्ष मार्ग समय सार महापुराण पढ़ने से मैं तो दिगंबर हो गया। वो प्रश्न ही करता रहता, यानी अब राकेश से आप पकड़ना विषय को। मेरा आपसे प्रश्न है, नाम निक्षेप वस्तु है कि वस्तु? संभल के बोलना, वस्तु कहने पहले सोच लेना आप। देखा है ज्ञानी, कथनचित लगा करके तू अपने आप को बचा के नहीं निकल पाएगा। जो है कथनचित बोलने के लिए कोई ये ना सोच ले हम कथनचित बोले तो जैनी खुश हो जाएंगे। जैनी बहुत समझदार हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं नमोकार याद करके तुम आ गए और जैन मंदिर में घुसना चाहते थे। नमोकार याद करके आ गए, जैन मंदिर में घुसना चाहते थे, उसके पास साथ में उसके साथ चलूंगा कि नमोकार पढ़ के तू अंदर आ रहा है, लेकिन अब मंदिर में क्या करने वाला है। वो पकड़ा जाए था, बहुत सारे लोग नमोकार याद करके आ गए, भक्तांबर के काव्य करके आते हैं, और लोग सोचते हैं जैनियों घर में घुस सकते हैं, लेकिन जैनी इस बात को समझते हैं नमोकार तो कंठ का पाठ है, लेकिन अंदर की तुम्हारे शरीर की गंध क्या है और भावों की गंध क्या है। हर अपरिचित आदमी को अपने घर के चबूतरे तक ही रखना चाहिए। जितनी माता बहनें बैठी हुई समय देख के काम कीजिए, चाहे कोई व्यक्ति सामान बेचने वाला क्यों ना हो, तुम्हारे आभूषण साफ करने वाला क्यों ना हो, कभी अंदर घर के ले मत जाना। और अपने पति के मित्र को भी अपने पति से बोल देना, आप इनका स्थान उचित तक रखिए, घर के चौके तक इनका प्रवेश नहीं हो पाएगा। चौके में वही प्रवेश करेगा जो पंच परमेष्टि का भक्त होगा। मित्र का सत्कार बैठक अच्छी तक रखिए। बस मैं पूरा करूं विशेष मेरा। ओ प्रश्न नहीं करना, उत्तर मिल जाएगा। तो मित्र नए जो है, आपका नाम निक्षेप ये वस्तु है कि वस्तु?
ए भाई, देश को अज्ञानी बनाने में उनका पूरा सहयोग है जो नकल कराते हैं। देश को अज्ञानी बनाने में उनका पूरा सहयोग है। अज्ञानी पास हो भी जाएगा, जब ऊंचे स्थान पहुंचेगा फिर बेचारा रोते मिलेगा। टालो मत, जबरदस्ती क्यों कहलवा रहे हो कि दो वस्तु भूत है, उनको सोचने दो, उनकी अज्ञानता का बोध होने दो। नाम नचे वस्तु भूते के वस्तु भूत, पीयूष क्या बोले, बहुत बढ़िया, चिंता मत करो, तुम्हारे साथ एक ज्ञानी और मिल चुका है। अवस्तु भूत है ना, नाम निक्षेप। महाराज जी क्या होगा, नाम निक्षेप जो भी होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं पंचाध्यायी कार, पंचाध्यायी में अशतभूत व्यवहारों को मिथ्या कह दिया है और उनके मानने वालों को मिथ्या दृष्टि लिखा। पंडित जी आप पढ़ना उसको, जिसने उसी को पढ़ के जान लिया और आगे अष्ट सहस्त्री नए चक्र ऐसे ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया वो व्यक्ति वही कहेगा। इसलिए पढ़ा निर्णय करना चाहिए। उनने जो उसको मिथ्या कहा है वो विषय अलग है, परंतु उसको सर्वथा आप मिथ्या बोल रहे हो, ये अज्ञानियों को आपने अज्ञानी दे दिया। राकेश वही से बोल रहे हैं वस्तु भूत, हे मित्र पीयूष से क्या है, ये ना वस्तु है क्या, वस्तु वस्तु इसको कैसे पहचानेंगे आप, नाम निक्षेप से। तो नाम निक्षेप है ना, वो शब्द है ना, शब्द है, शब्द दो प्रकार के हैं, शब्द ध्वनि रूप शब्द रूप। अभी वो नहीं बोलना, अभी फंस जाएगा। ध्वनि रूप शब्द रूप, पेन ये ध्वनि रूप है, लिख दो शब्द रूप है, अक्षर रूप है, ठीक है। अब इधर देखो, ध्वनि जो है वो वस्तु है क्या, वस्तु, कैसा बच्चा हो रहा आज, जो पुद्गल वस्तु है ना, पुद्गल जो है ना शब्द है ना, तो मित्र ये जो ध्वनि है वो वस्तु के वस्तु वस्तु, और जो आपने लिख के रख दिया पेन सिल वो क्या है, शुद्धो बंधु सुमो। तो ये शब्द जो है पुद्गल की पर्याय है, और पुद्गल की पर्याय है वो वस्तु है, अवस्तु नहीं है। अवस्तु का अवस्तु पर उपचार नहीं होता, अवस्तु का अवस्तु पर उपचार नहीं होता, और वस्तु में भी अवस्तु का उपचार नहीं होता, उपचार में भी अवस्तु नहीं होती। वस्तु में ही वस्तु का उपचार होता है, वह वह नहीं है इसलिए तो उपचार है, वह वह नहीं है वह यह वह है ही तो उपचार है। इसलिए नहीं तो ये सब इंद्रियों अपने घर जाए विचार। आप कठिन नहीं समझ, मैं आपकी बात कर रहा हूं। अब प्रश्न मेरा ये है, भगवान आदिनाथ स्वामी आप जो स्थापना कर रहे हो, माला फिर रहे हो, इतने
पता नहीं हजारों किलोमीटर से चल के आए हो, किसके पीछे आए आप? भगवान के लिए आए ना, भगवान तो यहाँ ही नहीं है। भगवान तो ही नहीं यहाँ, भगवान को हजारों वर्ष करोड़ों वर्ष निकल गए, वे तो सिद्धालय में पहुंच चुके हैं, अब क्यों आए आप? ठहरिए, इसलिए जब तक ज्ञान नहीं हो जाए, ये अज्ञानी लोग तुमको भगवान से दूर कर देंगे। राकेश पंडित जैसे लोग वे कहेंगे अवस्तु है, ठीक है, अब कथंचित भी बोलोगे तब भी अवस्तु नहीं है। जो हमने नौ प्रकार का उपचार किया है वो हमने नहीं किया, आगम में ही किया गया है, वो वस्तु व्यवस्था है, अवस्तु का उपचार नहीं है। इसलिए पंडित जी साता को उदय देता है नाम निक्षेप, वो असाता काम करवाता है नाम निक्षेप। जो सो रहा था उसको जगा दिया, इसके पापा ने अच्छा किया कि बुरा किया? यदि भोला सो रहा था, नाम निक्षेप उसका भोला ना होता तो जगता क्यों? इसलिए अगला प्रश्न है कि ये जीव इतना अधिक नाम निक्षेप चला गया, कोई गाली दे दे इसको भोला कह करके, फिर कहेंगे ये वस्तु ओ जरा सा कोई नमले दे मंच से, फिर देखो अभी तो 250 क्विंटल का है, फिर पता नहीं और कितने 500 क्विंटल का हो जाए। हो हे मित्र, नाम निक्षेप अभी यहां विषय पकड़ना कितना गहरा दर्शन है, कितना गहरा दर्शन है। जिसने नाम निक्षेप कह करके आंध्र प्रदेश को झकझोर दिया, आंध्र प्रदेशों को झकझोरने वाला नाम निक्षेप, अभी दूसरे की तुमने बात ही नहीं की, आंध्र प्रदेशों को झकझोर दिया और ये रूपी नाम निक्षेप और रूपी भगवान आत्मा को प्रभावित कर रहा है, और नाम निक्षेप भगवान बनाता है। प्रमाद प्रकाश में ब्रह्मदेव सूर्य ने प्रश्न किया अपनी टीका में, सिद्ध भगवान क्या मोक्ष देते हैं, सिद्ध भगवान क्या मोक्ष देते हैं? हाँ देते हैं, सिद्ध भगवान मोक्ष देते हैं? बोले हाँ देते हैं। बोले सिद्ध भगवान सामने नहीं है, मोक्ष कैसे हो सकता है? बहुत सरल प्रश्न है, भैया कहाँ से आया, ज्ञानी देवी का है? अच्छा, यदि आपकी देवी अपनी माँ के घर में हो, तुम अपनी माँ के पास थे, सुख से जी रहे थे, अचानक तुमको देवी की याद आ गई, अब क्या होगा? सही बोलना, झूठी नहीं बोलना। हाँ, फोन करके बुला लेगा, माना कि फोन खराब हो गया, हे मित्र वहां आप देवी का मन में नाम ले रहे थे, तो कर्म का बंद हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा था, सही बोल रहे ईमानदारी से। बहुत सारे ऐसे काम हैं लोगों को पता ही नहीं है कि बंद हो रहा कि नहीं हो रहा। मित्र वो अपनी माँ के घर में है पर उसे मालूम नहीं है, ओहो, और ऐसा आपके साथ नहीं घटित होता, बहुत जीवों के साथ ऐसे होता है।
मतलब तुम्हारी धर्म पत्नी को मालूम नहीं है कि मेरा स्वामी क्या कर रहा है। पुरुष एक स्त्री ऐसा द्रव्य जिसके वियोग में वो तड़प रहा है। बोले यहां तो DTT पाउडर भी छिड़का गया, कोई गैस भी नहीं छिड़की गई। अंदर ही अंदर नाम चल रहा है, लंबी गर्म श्वासें चल रही है, शरीर गर्म हो चुका है। वस्तु कहाँ है? जाबरा में। वस्तु कहाँ है? जाबरा में, भाई रतलाम में। तड़प रहा बेचारा, क्या द्रव्य का प्रभाव, क्या द्रव्य का प्रभाव। जब रतलाम का श्रावक जाबरा की बिटिया की याद में यह तड़प सकता है, हे मित्र, जब मिलने की इच्छा हो रही थी कभी मुस्कुराता है, कभी मुस्कुराता है, जब यहां मुस्कुरा सकता रो सकता है तो सिद्ध भगवान सिद्ध स्थान पर बैठे हुए हैं। मैं भले सिद्धालय में मैं उनका स्मरण करके गदगद होता हूं और उनकी विश्वास से विशुद्धि को प्राप्त होता हूं। वो विशुद्धि हमको भगवान बनाती है, इसलिए भगवान सिद्ध भी भगवान बनाते। बराबर यानी बराबर नाम निक्षेप। लेकिन ये सब प्रभावित अवश्य कर रहे थे, प्रभाव मेरे में ही हो रहा था, इसलिए देवी नहीं तड़पा रही थी, इनकी कामना तड़पा रही थी। भगवान सिद्ध नहीं बना रहे थे, मेरी अंतरंग की दशा भगवान बना रही थी। निश्चय से इसलिए निक्षेपों को समझते हुए पुनः चर्चा करूंगा आपसे, यदि पर्याय रही। अब वो भाई कह रहा था अवस्तु है, इसलिए वस्तु है, मुख्या भाविष्यति प्रयोजन निमित्त चोपचारा प्रवर्तते। मुख्य के अभाव में प्रयोजन के निमित्त से उपचार कथन होता है, लेकिन मुख्य भी होना चाहिए तभी उपचार होता है। यदि मुख्य नहीं होगा उपचार लग ही नहीं सकता, मुख्य नहीं होगा उपचार लग नहीं सकता है। परंतु ज्ञानियों जैसे पत्नी की याद तड़पा सकती है उसका नाम, ऐसे प्रभु की याद कर्मों को तड़पाएगा, मुझे नहीं तड़पाएगा, नाम देव बन जाएगा। इसलिए आप यहाँ आए हो ऐसा मत मान लेना हमने गलत किया है, तुमने बिल्कुल गलत नहीं किया, बिल्कुल गलत नहीं किया। एक सिनेमा हॉल जाने से भाव बदल जाते कि नहीं? वहाँ क्या वास्तविक रूप है? वहाँ चित्री ना, चित्रों को देख करके चित्त बदल सकता है, तो परमात्मा के कल्याण देख करके चित्र क्यों नहीं बदल सकता? इतने जितने मुनिराज मिले जितने मिले रस मैंने आपको खोल दिया कि पत्नी जाबरा में, भाई रतलाम में, उसका स्मरण से पत्नी को पता ही नहीं है मैं कि मेरी सासु कुंवर साहब क्या कर रहे हैं, पर वो तड़प रहा है। सही, ऐसे ही मैं आपको ध्यान, मुड़ीराज को मालूम ना हो कि श्रावक मुझे नमस्कार कर रहा कि नहीं, पर तुम कैसे नमस्कार कर लेना, उनकी ताकत हो मुड़ीराज की,
भी भले अंदर कमरे में हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, उनके स्वयं की ताकत नहीं है, उनके भगवान की ताकत नहीं है कि मेरी वंदना करने पर वे हमारी वंदना के फल को रोक सके। ये रहस्य मैं समझ चुका, मैं यहां से भगवान शिव मंदिर को वंदना करता हूं, सिद्धों को वंदना करता हूं, हो चुके तीर्थंकरों को वंदना कर रहा हूं। वे मेरे बारे में कुछ नहीं समझे, समझना ही नहीं चाहिए, और मेरे बारे में समझने लगे तो भगवान नहीं बचेंगे। मैं चाहता हूं भी हमारे बारे में अज्ञानी रहे, क्यों चिंता में डूबे, कुछ गलत हो गया? बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ, बिल्कुल गलत नहीं हुआ, ध्यान रखना। जैसा अंतर्व्याप्य व्यापक भाव से विशुद्ध सार को जानते हैं, वैसे तीर्थंकर महावीर भी उनको नहीं जानते। अंतर्व्याप्य व्यापक भाव से भगवान किसी को नहीं जानते, बहिर्व्याप्य व्यापक भाव से जानते मुकुर मयूर। इसलिए ध्यान दो, कोई हमें देख पाए, कोई हमें जान पाए, ये चिंता मत करना। कभी नाक फूटी किसी की? कभी नाक फूटी किसी की? फूटी भैया, खड़ा हो जा फिर। कब फूटी? वही बोलते ना, मालूम है वो गर्मी गुड़ खाने की थी कि गुड़िया की थी? समझ गया क्या? गुड़ खाने की थी कि गुड़िया की, ये पूछा था भाई। समझ मित्र, बुरा नहीं मानना, नाक मात्र गुड़ खाने से नहीं फूटती। लोग एक ही बात लगा लेते हैं, गुड़ खाने से नहीं फूटती, मौसम से मात नहीं फूटती, टेंशन से फूट जाती है, वो गर्मी से फूटती है, ठीक है ना। अब गुड़ खाने से गर्मी चढ़ जाए, चाहे गुड़िया की यहाँ से गर्मी चढ़ जाए, लेकिन वो गर्मी से फूटती बराबर। वो नाक फूटने क्या ताकत, भैया क्या नाम, दिनेश, क्या ताकत है कि एक व्यक्ति की याद में आदमी की नाक फूट जाती है। वैसे कोई खून निकालना चाहे तो उसको इंजेक्शन लगाना पड़े, बिना इंजेक्शन लगाए टप टप खून निकलने लगता है। स्मरण, याद 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 करने से टेंशन में नाक फूट जाती है, और चिंतन करने वाले के कर्म फूट के निकलने लगते हैं। फिर मिलूंगा आपसे, बैठ जा भाई, क्षमा करना। यहां देखो, जब से मैं शीतल धाम में आया हूं, सारी आवाजें बंद कर दो यहां, तब भी रात्रि की आवाज में यहां आवाज आती है, तो मालूम कोई सोच रहे होंगे कोई देवी देवताओं की आवाज आती क्या। अरे देवी देवताओं की नहीं, ये पंखे लगे ना पवन चक्की, बड़ी गहरी आवाज आती है। तो पवन चक्की क्या कर रही है राहुल? पवन चक्की क्या कर रही है? वो घूम रही है, घूम रही है, पर वो क्या रहा है? इन सिद्धांतों को जैन आगम में त्रिकालिक से लिखा गया है, आवृत्ति का सिद्धांत है ये। नाक फूटी आवृत्ति से,
कर्म फूटे आवृत्ति से, ओ धर्म मिलता आवृत्ति से, विद्युत उत्पन्न हुई है आवृत्ति से, इसलिए हमारे यहाँ 16 खंड भावना आवृत्ति, 12 भावना आवृत्ति, बार 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 ऐसे करो तिलक कभी नहीं मिटेगा, करना मत, घर्षण करो, गर्म हुए तो घर्षण से विद्युत उत्पन्न होती है, ज्ञान में ज्ञान का घर्षण होता है तो अरहंत बनता है, और ज्ञान का और ज्ञान में घर्षण होता है तो सिद्ध भगवान बनता है। बिना ज्ञान में ज्ञान की लीनता के न भगवान आज तक बना न बन पाएगा, इसलिए जो ही सुदृढ़ गति अपमान तुम शुद्ध केवली अब बात ऐसी है, वहां गुणस्थान शब्द ही नहीं है, कुंद कुंद ने प्रयोग किया, अब गुंत कुंद भगवान ने गुणस्थान शब्द का प्रयोग नहीं किया। अब पंडित मांगलाल साहब जी इन जैसे जीव है, जिन आचार्य को गुणस्थानी पर वस्तु दिखती हो, गुणस्थानी पर वस्तु दिखती हो, वे गुणस्थान का नाम क्यों लेंगे, वे तो आत्मा का नाम ले रहे हैं। अभी चिंतन करना, अभी बोल नहीं रहा हूं, महाराज का प्रवचन सुनना, आपको विषय दे दिया मैंने, आपको पंडित बंबई जाके इस पर चिंतन करेंगे। गुणस्थान जो है आत्मा का धर्म नहीं है, है क्या? गुणस्थान आत्मा का धर्म नहीं है, और श्रुत केवलीपना भी आत्मा का धर्म नहीं है, केवल ज्ञान भी आत्मा का धर्म नहीं है। अब तुम कौन सी बात चाहते हो? एकमात्र केवल ज्ञान आत्मा का धर्म है, मैं तो केवल ज्ञानी हूं, अभी केवली अवश्य नहीं हूं पर केवल ज्ञानी हूं। आत्मा का लक्षण मात्र केवल ज्ञान है, इसलिए ज्ञानियों बहुत अच्छा कि आज आपने भगवान तीर्थंकर का जन्म कल्याण का महोत्सव मनाया और सुमेरु पर भगवान का अभिषेक किया, सब गदगद भाव थे, ये निमित्त आपके संसार के विच्छेद के साधन है, ये निमित्त आपके संसार के विच्छेद के कारण है, वैसे प्रसन्नता ना आ पाए, इन हेतुओं से पंडित जी ये मुस्कुराहट आ गई, जब इनकी ये मुस्कुराहट, इनकी मुस्कुराहट भी इनके निर्बंध का कारण है, इसलिए जाओ जीवन में मुस्कुराना हो तो भगवान के पास मुस्कुराना, रोना हो तो भगवान के पास रोना, यहाँ का रोना भी श्रेष्ठ है, यहाँ का मुस्कुराना भी श्रेष्ठ है, लेकिन घर का रोना हंसना दोनों ही बंद के कारण है, मुस्कुरा लो घर में तो रोना ही है। आत्मा शुभ।